दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपको टेक फैमिली यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जब हम यूट्यूब के लिए किसी भी वीडियो बनाते हैं ना, उसमें SEO अच्छी तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके वो वीडियो यहाँ पे सर्च में ऊपर आने का चांस बनता है। और इस SEO की दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन। और बहुत लोगों को, बहुत सारे क्रिएटर्स को यहाँ पे डाउट्स है कि हम सही तरीके से डिस्क्रिप्शन लिख ना पा रहे हैं या फिर नहीं, या फिर हमसे कुछ गलती हो रहा है। और यहाँ पे दोस्तों बहुत लोग गलती भी करते हैं, जिसके कारण आगे जाके बहुत सारा प्रॉब्लम भी उनको फेस करना पड़ता है। अगर आपका चैनल यहाँ पे मोनेटाइज है तो डीमोनेटाइज भी कर सकता है YouTube, अगर आप गलत तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखते हो। तो भाई आप एक नया क्रिएटर हो, पुराना क्रिएटर हो, कोई भी हो दोस्तों, आज की इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो ना, तो आपकी मन में, आपके दिमाग में डिस्क्रिप्शन को लेके अगर कोई भी डाउट्स है तो भाई बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल्स क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों मैंने और एक वीडियो बनाया है, उसमें टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग के बारे में डिटेल्स उस वीडियो में बताया है। अगर दोस्तों आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वीडियो में दे दूंगा, जरूर जाकर देखना। आज की ये वीडियो और वो वीडियो दोस्तों किसी भी एक क्रिएटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस पर भी बहुत ज्यादा प्यार देना। दोस्तों मैं आपको पीछे जो बोर्ड देख रहा हूं, इसे भी जाके मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं किस तरीके से आप एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो और इसकी बारीक चीज क्या है। तो वीडियो एक लाइक कर देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब एक टॉपिक को सिलेक्ट करते हो ना, उस टॉपिक पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना, ये आपको सोचना है। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो आपने एक वीडियो का जो टाइटल जो आपने लिखा है, उस टाइटल को आपको पकड़ना है। मैंने उस वीडियो में कहा था कि टाइटल में आप यहाँ पे कम से कम 3 कीवर्ड अगर आप लिख सकते हो तो बहुत अच्छा है। वो जो 3 कीवर्ड आप लिखोगे ना, उस 3 में से आप तीनों डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, या फिर आप 2 जो कीवर्ड है उसे आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिख देना। जैसे आज की वीडियो की में जो टॉपिक है उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पहले डिस्क्रिप्शन में हाउ टू राइट डिस्क्रिप्शन फॉर यूट्यूब वीडियो, और लिखा है डिस्क्रिप्शन कैसे लिखे, और लिखा है यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में मानो ये जो तीनों चीजें वो मैंने यहाँ पे टाइटल में लिखा है इस वीडियो का, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मुझे सबसे पहले ये जो लाइन है यहाँ पे 2 या फिर 3 लाइन अगर लिख सकते हैं तो भाई बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले ये चीज हो गया। अब जो 2 नंबर में जो चीज है वो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने सेकंड पे लिखा है, आप लिख सकते हो आवर आधार चैनल लिंक और ऐप डाउनलोड लिंक। आपके पास अगर ये YouTube चैनल के अलावा और अगर कोई एक्स्ट्रा चैनल है, कोई भी चैनल है, तो इसका जो लिंक है दोस्तों वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये पूरा डिस्क्रिप्शन के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ। और अगर आप पेड प्रमोशन करते हो, किसी भी एप्लीकेशन का रिव्यू करते हो, तो उसका जो एप्लीकेशन का लिंक है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और एप्लीकेशन लिंक जब आप दोस्तों डालोगे तो आप उसे शॉर्ट करके डालना, बहुत सारे एप्लीकेशन आता है आप शॉर्ट लिंक करके यहाँ पे डालोगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। ये हो गया 2 नंबर। इसके बाद आपको क्या लिखना है, देखिए अगर आप चाहते हो आप खुद के बारे में यहाँ पे कुछ लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हाई आई एम विश्वास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक माई फैमिली, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, आपके बारे में कुछ लिख सकते हो। और इसके बाद की जो पॉइंट आता है दोस्तों वो आता है कि अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। या फिर दोस्तों आप लिख सकते हो कवर्ड टॉपिक, आपने जिस विषय के ऊपर वीडियो बनाया है उस वीडियो के बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लिखते हो अबाउट दिस वीडियो, तो दोस्तों यहाँ पे आप एक लाइन करके लिख सकते हो कि इस वीडियो में दोस्तों मैंने इस विषय के बारे में बताया है। या फिर दोस्तों अगर आप लिखते हो कवर्ड टॉपिक, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से आप इसको समझना, यही पे बहुत सारा लोग गलती करते हैं और यही पे लोगों को प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आता है। आजकल तो बहुत लोगों का यह प्रॉब्लम सामने निकल के आ रहा है। यहाँ पे जो कवर्ड टॉपिक है, यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4, 5 करके यहाँ पे 5-6 जो कीवर्ड्स हैं वो आप लिख सकते हो, लेकिन आपने वीडियो में जो जो चीज़ बताया है वही चीज़ के अनुसार आप यहाँ पे कीवर्ड लिखना तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक टॉपिक को चूज़ करते हैं और उस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे 50-60 यहाँ पे कीवर्ड को निकाल लेते हैं और इन कीवर्ड को, सारे कीवर्ड को दोस्तों यहाँ पे भर भर के डालते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, YouTube के ये चीज गलत है, ये आपकी जो मेटा डाटा है दोस्तों ये गलत होता है, ठीक है। और YouTube ये समझता है कि आप उसके जो एल्गोरिथम है उसे आप हैक करने की कोशिश करो। या फिर बहुत लोग ये भी करते हैं कि यहाँ पे एक एक करके लिखते हैं और उसके पीछे कोमा कोमा दे के यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन के यहाँ पे भर देते हैं। ये चीज़ आपको कभी नहीं करना, इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आप यहाँ पे आपकी वीडियो के अनुसार यहाँ पे 3, 4 या फिर 5 आप कवर टॉपिक, जिस टॉपिक पे आपके बात के इस वीडियो में, वो वाला आप यहाँ पे लिखो तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है।
इसके बाद आप ध्यान से देखो आपको क्या लिखना है। इसके बाद चार नंबर में बताता हूँ यहाँ पे आवर आधार प्लेलिस्ट। यहाँ पे हम एक वीडियो से हमारा जो दूसरे कोई वीडियो है उस वीडियो का प्रमोशन भी हम कर सकते हैं। अगर हमारे किसी भी व्यूअर हमारे डिस्क्रिप्शन में आते हैं तो अगर उस डिस्क्रिप्शन में हम कोई भी प्लेलिस्ट या फिर किसी भी वीडियो का लिंक हम डालते हैं तो वहाँ से भी उस वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा चांस बनता है, बहुत लोगों का इससे व्यूज़ भी आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखें आवर अदर प्लेलिस्ट। यहाँ पे आप अपने अगर अपने चैनल में दो तीन चार प्लेलिस्ट लिखा है तो उसके जो लिंक है भाई प्लेलिस्ट का वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉपीराइट डिस्क्लेमर। देखो ये जो कॉपीराइट डिस्क्लेमर है क्या लिखना है इस जो वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्लेमर आपको कब लिखना है, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ, इस पर किसी भी दूसरे किसी का एप्लीकेशन, दूसरे किसी का फोटो, दूसरे किसी का वीडियोस मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो में मुझे कोई भी कॉपीराइट डिस्क्लेमर लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा वीडियो बनाते हो, आप दूसरों की वीडियो फुटेज यूज़ करते हो, दूसरों की इमेज को यूज़ करते हो, किसी का पिक्चर आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपको डिस्क्लेमर लिखना ज़रूरी है। इससे ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन जो भी ओनर देखते हैं वो यहाँ पे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर क्लेम जो है वो नहीं देते, ज़्यादातर नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉपीराइट डिस्क्लेमर लिख देना है, तब लिखना है जब दूसरे किसी चीज़ को यूज़ करते हो। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे क्या करो, एफिलिएट लिंक्स आप डाल सकते हो। एफिलिएट लिंक्स दोस्तों क्या होता है, हम जो यहाँ पे बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं एफिलिएट लिंक उनके पास होता है अमेजन का, फ्लिपकार्ट का, वो आप डाल सकते हो। इसका आपका जो इनकम है वो भी यहाँ पे बहुत सारा बढ़ सकता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 7 में आपको क्या करना है, आवर सोशल लिंक्स ये आपको जरूर डालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है ना तो यूट्यूब जब आपके चैनल का रिव्यू करेगा तब आपकी जो सोशल लिंक है वो अच्छे तरीके से देखता है कि आप ओरिजिनल क्रिएटर हो कि नहीं, या फिर आप ऐसे फेक कुछ बताते हो, आप फेक है आप, तो ये चीज़ डालना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर का आपका लिंक आप यहाँ पे आसानी से भाई डाल सकते हो। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँगा हैशटैग्स के बारे में। हैशटैग्स दोस्तों आप YouTube की जो सर्च बार वहाँ पर जाकर सर्च करो और आपकी वीडियो के अनुसार आप अच्छा अच्छा हैशटैग्स आप लो और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप हैशटैग्स डाल सकते हो। हैशटैग्स YouTube कितना यहाँ पे रूल्स में आता है, देखो अप टू 15, आपको 15 से ज़्यादा हैशटैग्स नहीं लगाना है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है और मैं आपको बताऊंगा कि 5-6 हैशटैग्स लगाओ भाई, वही काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वीडियो में हैशटैग्स भी आप ज़रूर यूज़ करना। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपका जो नेम या फिर एड्रेस, अगर आप चाहो तो आपका नाम या फिर आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे दे सकते हो भाई, ये आपका मर्जी है। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि बिज़नेस ईमेल आईडी, आपका जो बिजनेस ईमेल आईडी है, दूसरा किसी ईमेल आईडी, लेकिन एक बात ध्यान रखना कभी भी दोस्तों यहाँ पे आपका जो ओरिजिनल चैनल जिस ईमेल आईडी के ऊपर है वो ईमेल आप कभी भी यहाँ पे मत लिखना। ठीक है, आपका जो दूसरे ईमेल आईडी है वो आप डालना और अलग मोबाइल से इस चीज़ का आपको यूज़ करना है तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ पे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश की है, सारी चीज़ें बताए हैं। और एक बात मैं बताता हूँ, यहाँ पे किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे ऊपर नीचे करके भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की जो वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा किसी भी एक क्रिएटर के लिए, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी राय है, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो मेरी कमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर बताना, मैं समय निकल के भाई रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और इस वीडियो में दोस्तों पिछले जो वीडियो है उसका एक विनर है, आप उनको जाके ज़रूर सपोर्ट करना। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाज़त, जय हिंद।